गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आज के एमबी सीरियल के कोर कंटेंट्स आपको बताते हैं। इमली की जान बचाने के बाद आर्यन इमली को बाहर लेकर आता है। वो चीखता है, डॉक्टर को बुलाओ। नीला आंटी कहती है कि डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है। आर्यन की यूँ चैन देखकर अर्पिता कहती है, मैं डॉक्टर को बुलाया है, वो रास्ते में ही है। फिर डॉक्टर आता है और चेकअप करता है, तो आर्यन बेताब होकर डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है। डॉक्टर खामोश रहता है, वो डॉक्टर से फिर पूछता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर खामोशी से चेक करने लगता है। वो कहता है, डॉक्टर साहब पूरे 10 मिनट हो गए आप इमली को देख रहे हैं, आखिर क्या हुआ है। ये तो बगैर बोले रह ही नहीं सकती, आखिर ये चुप क्यों हो गई है। सब आर्यन को इस तरह देखकर हंसने लगते हैं। फ्रेंड्स, यही डॉक्टर उठता है, मुस्कुराते हुए आर्यन का बुखार देखता है और उसकी हार्ट बीट चेक करता है और कहता है, इलाज की जरूरत उसे नहीं तुम्हें है। दरअसल आपकी मिसेज को धुएं की वजह से पैनिक अटैक हुआ था, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम थी। अब खतरे की कोई बात नहीं है। ये पर फ्रेंड्स आग लगाने का मामला उठता है। नीला ज्योति पर इल्जाम लगाती है कि उसने कैंडल जलाई थी तो इसकी कोताही की वजह से आग लगी है। लेकिन आर्यन कहता है, वो तो मेरे साथ कैंडल जलाने में मदद कर रही थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। और इमली भी कहती है, ज्योति ऐसा नहीं कर सकती। ज्योति सोचती है कि कोई तो है जो इमली को मारना चाहता है, क्या वो ज्योति के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नर्मदा इमली को कमरे में ले जाने का कहती है फ्रेंड्स, लेकिन कमजोरी की वजह से वो कदम नहीं उठा सकती। आर्यन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि सहारा लेकर उठ जाए, लेकिन वो जमीन पर गिरने लगती है और आर्यन उसे उठाकर ले जाता है। अगली सुबह आर्यन इमली का बहुत ख्याल रखता है। फ्रेंड्स, इमली माधव से फोन पर बात करती है। माधव कहता है कि जिनकी रिपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं वो खतरनाक इंसान है। इमली कहती है, खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये काम जरूरी करना है, जरूर जाएंगे। आर्यन इमली के हाथ से मोबाइल खींच लेता है, स्विच ऑफ कर देता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकती। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, देखा नहीं था उस दिन तुमने कमरे में मुझे कैद कर दिया था और मैं छत से छलांग लगाकर नीचे आ गई थी। वहीं पर फ्रेंड्स आर्यन कहता है कि उस दिन तुम अकेली थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ रिपोर्टिंग के लिए। और इमली उसके केयरिंग बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इमली तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है तो नर्मदा उसे मना करती है कि आराम कर लो। इमली कहती है कि जरूरी काम है, इसलिए जाना है माँ। यहीं पर आर्यन कहता है कि माँ मैं उसके साथ जा रहा हूँ, आप फिक्र बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड्स देखते हैं, गुड़िया करती है नीला आंटी का राज पास। जी हाँ फ्रेंड्स, जब नीला आंटी गुड़िया का मेकअप खींच लेती है, उससे कहती है कि उस वक्त मिलेगा जब तुम दिमाग इस्तेमाल करोगी तो यही ज्योति आ जाती है। गुड़िया उसको देखकर मुंह बनाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो कहती है, मैं आज बहुत सारा मेकअप खरीद कर लाई हूँ और उसे दूंगी जो बताएगा कि आज आग किसने लगाई थी। तो गुड़िया लालच में आकर कह देती है, नीला मौसी ने। तो नीला सर पकड़ कर बैठ जाती है। फ्रेंड्स, आज के सीरियल के प्रीकैप में दिखाते हैं कि आर्यन को गुंडा गोली मार लेता है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।